दीक्षा एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी पाखंड और प्रेम के बीच रस्साकस्सी की है। देश का एक बड़ा हिस्सा कैसे अपनी ही रची काल्पनिक दुनिया में इतना खो गया कि प्रेम और दया जैसी मौलिक मानवीय भावनाओं से कोसों दूर होता चला गया। जिसने जितने श्लोक रटे वो उतना हट्टी पाखंडी उतना ही करुणा और सामान्य बुद्धिमत्ता से दूर होता गया। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुडु मल्लिके का रामेश्वर भट्ट अपने बेटे नारायण भट्ट का उपनयन संस्कार करा रहा है। इसके बाद वो जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाएगा। गुरुकुल में जाने के लिए एकदम तैयार। रामेश्वर के 5 संतान हुए लेकिन बीमारी और बुखार ने सबकी जान ले ली। इसे पंडित रामेश्वर भट्ट ने ईश्वर का प्रकोप समझा और अपने आप में ये शपथ ली कि अगर उसे एक संतान और हो तो उसे वो ईश्वर की सेवा में समर्पित करेगा। शायद इससे ही ईश्वर को तृप्ति मिले। बेचारे भोले भाले रामेश्वर भट्ट ने ईश्वर के डर से अपने बेटे को अपनी माँ से ही दूर कर दिया। बच्चे की मर्जी के खिलाफ उसे शेषाग्री के आचार्य उड़ुप पंडित के पास दीक्षा के लिए ले गया। यहाँ पढ़कर वो वेदों का बड़ा ज्ञानी होगा, हर एक रीति रिवाज और संस्कारों की विधि सीखेगा, आगे यही तो उसका पेट पालेंगे। रामेश्वर ने इसके लिए श्रीकर उपाध्याय से सिफारिश की। श्रीकर कभी उड़ुप पंडित का शिष्य हुआ करता था। अगर वो एक बार बात कर दे तो आचार्य उसके बेटे को भी दीक्षा देने के लिए राजी हो जाएगा। पर आजकल उड़ुप पंडित ने नए शिष्यों को लेना बंद कर दिया है। उसका मत है कि आज के लोगों में आस्था बची नहीं है, ऊपर से इस शिक्षा से उन्हें नौकरियां भी नहीं मिलती हैं। लेकिन रामेश्वर के लगातार आग्रह करने की वजह से श्रीकर ने यह खबर उड़ुप पंडित तक पहुंचा दी। जब रामेश्वर अपने बेटे नारायण के साथ उड़ुप पंडित के घर पहुंचा तो वहां पहली बार नारायण ने किसी शूद्र को देखा। वो उन्हीं की तरह दिखता है, एकदम इंसान है, पर उसे छू नहीं सकते। इससे पंडित का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। खैर, जब वे उड़ुप पंडित के घर पहुंचते हैं, यहाँ उनकी मुलाकात गाँव के मास्टर से हुई जो शास्त्रों का रहस्य जानने यहाँ अक्सर आया करता है। रामेश्वर के लिए एक बुरी खबर है, उड़ुप पंडित ने उसके बेटे नारायण को अपने गुरुकुल में लेने से मना कर दिया। उसके पास पहले से 2 विद्यार्थी हैं और इतने पर्याप्त हैं। लेकिन रामेश्वर ने हाथ जोड़कर उसके सामने अपनी व्यथा सुनाई, कहा कि उसके 5 पुत्र हुए, एक भी जीवित नहीं रहा। तब मैंने संकल्प लिया कि अगर मुझे एक और पुत्र हुआ तो उसे देवपाठी बनाऊंगा, प्रभुकारी के लिए समर्पित कर दूंगा। इसलिए उपनयन संस्कार के तुरंत पश्चात अपने पुत्र को यहाँ आपके समक्ष लेकर आया हूँ, इसे अस्वीकार मत करिए। जब उड़ुप पंडित ने बालक के संस्कार देखे कि वो पहले से ही कुछ श्लोक रटा रटाया यहाँ आया है, तो इससे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने नारायण को अपने गुरुकुल में रख लिया। लेकिन अगर नारायण को यहाँ रहना है तो अपने घर परिवार और माता पिता का मोह छोड़ना होगा। शुरू के कुछ दिन छोटे नन्नी के लिए बड़े कठिन रहे, हमेशा माँ की याद आ जाया करती है। ऊपर से आचार्य के दोनों छात्र उससे उम्र में बड़े हैं, खूब सताया करते हैं। शुक्र है कि यहाँ यमुना नाम की एक महिला है, उड़ुप पंडित की विधवा बेटी है, आजकल यहीं अपने पिता के घर में रहा करती है। यमुना की वजह से नन्नी का मन थोड़ा यहाँ लगने लगा है। वो उसे माँ की कमी खलने नहीं देती है। पड़ोस में गोदावरी अम्मा रहती है, गाँव के हर घर में क्या चल रहा है उसे इसकी अच्छी खबर रहती है। एक नंबर की चुगलखोर है। जल्दी ही उसे एक मसालेदार खबर हाथ लगने वाली थी। गुरुकुल में अक्सर मास्टर का आना जाना लगा रहता है। उड़ुप पंडित को भनक तक नहीं है कि मास्टर शास्त्रों का ज्ञान खोजने यहाँ नहीं आता है। इसके बजाय उसकी चील जैसी नज़र यमुना पर टिकी है। वे दोनों बहाने से मंदिरों में मिला करते हैं, अब तो प्यार उफान मारने लगा है। पर शास्त्रों में लिखा है कि एक विधवा को पूरे उम्र विलाप करना चाहिए, उसे पति के वियोग में ताउम्र दुख उठाना होगा। अगर किसी को पता चले कि एक विधवा को प्यार हो गया है तो आसमान सिर पर आ गिरेगा। ऐसे ही फालतू के ज्ञान का परिचय अब छोटे नन्नी को भी होने लगा है। उसे गुरुकुल में काम करने वाला शूद्र कोगा बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है। नाचते हुए चलता है, चलते हुए नाचता है। उसे उसके साथ खेलने का मन तो करता है, शायद कंधे पर बैठकर गांव घूमना चाहता हो, पर कोगा को छू नहीं सकता। आखिर धर्म का सवाल है। एक दिन नन्नी ने कोगा के खाने में लड्डू डाल दिया। नन्नी का ये छोटा सा स्नेह कोगा के लिए एक बड़ी घटना थी। आज वो इतना खुश था जितना पहले कभी नहीं रहा होगा। वो ये लड्डू बचाकर अपनी बूढ़ी मौसी के पास ले गया। वही उसके माँ बाप हैं। कोगा को बचपन से उसी ने पाला है।
जब बूढ़ी मौसी कहती है कि गोगा शादी कर ले, कब तक मैं तेरा ख्याल रखूंगी, एक दिन मुझे जाना ही है। तब गोगा कहता है कि मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, फिर तुम कैसे कहाँ जाओगी। बात मजाक में कही गई है, पर मृत्यु तो सत्य है। एक दिन गोगा की मौसी की मृत्यु हो गई। गोगा सुबह से आचार्य के घर के बाहर बैठा रो रहा है। उसे उम्मीद है कि उड़ूप पंडित जैसा महान व्यक्ति उसकी मौसी की अंतिम क्रिया कर दे तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी, कम से कम गंगा जल और तुलसी उसके मृत शरीर में चढ़ा दें। पर उड़ूप पंडित किसी शूद्र की अंत्योष्टि नहीं कर सकता है, यही नियम है। लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ गोगा के मन की शांति के लिए शूद्रों की बस्ती में जाता है और उसकी मौसी की अंत्योष्टि करता है। जब इसकी खबर गोदावरी को चलती है तो वो सीधे पंडित मंजुनाथ के पास जा पहुंचती है। वो मठ का नया आचार्य बनना चाहता है। गोदावरी ने मंजुनाथ के सामने उसके आचार्य उड़ूप की करतूत उगल दी। एक शूद्र की अंतिम क्रिया, ये तो घोर पाप है। कौन दे रहा है धर्म को चुनौती, किसके हाथों हुआ ये दुष्कर्म। जब श्रीकर मंजुनाथ से इसे नजरअंदाज करने की बात कहता है तो वो कहता है कि बहुत हो गया, नजरअंदाज करने की वजह से धर्म नष्ट हो रहा है। तुम जैसों की वजह से आज सती, देवदासी और बाल विवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो गई, कानून बन गए, अब और नहीं सहा जाएगा। आज अंत्योष्टि का संस्कार हुआ है, कल को अछूत और शूद्र भी जन्म और विवाह के संस्कार की मांग करेंगे, मंदिरों और देवस्थानों में प्रवेश मांगेंगे। अपनी विधवा बेटी को अपने घर में रखकर तुम्हारे आचार्य ने एक पाप तो पहले ही कर दिया है, और अब ये सब। उड़ूप पंडित के कृत से ब्राह्मणों में खलबली मची है। जब श्रीकर इसकी खबर देने उड़ूप पंडित के घर जाता है तो वो उसे समझाता है कि उसने कोगा की मौसी की अंत्योष्टि मृतक की मुक्ति के लिए नहीं किया, बल्कि एक जीवित व्यक्ति के मन की शांति के लिए किया। मेरे मन ने कहा कि एक छोटे से कर्म से एक शूद्र मानव की आस्था बनी रहेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और हाँ, ऐसा करके उसने किसी शास्त्र का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एक ब्राह्मण शूद्र की अंतिम क्रिया नहीं कर सकता है। रही बात रूढ़ी और परंपरा की, तो ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से खुद बनाते हैं। जैसे अंग्रेजों के बीच रहकर तुमने कपड़े बदल लिए, शिक्षा बदल ली, वैसे ही परंपरा भी बदलती है। जो गतिमान नहीं उसमें जीवन नहीं। कुछ दिनों बाद आचार्य उड़ूप पंडित एक लंबी यात्रा में निकल गया। तब तक के लिए गुरुकुल की जिम्मेदारी श्रीकर के हाथों में है। जब गुरु यात्रा में चले गए, किशोर छात्रों ने शरारत करनी शुरू कर दी, जंगलों में घूमने और नदियों में मस्ती करने में ही व्यस्त हो गए। दशहरा के समय गांव में नाटक दिखाया जाता है। एक दिन जब पूरा गांव दशहरा के कार्यक्रम देखने में मगन था, उड़ूप पंडित की बेटी यमुना और मास्टर के बीच संबंध चोर मारने लगे। यमुना को लगा था कि मास्टर आधुनिक सोच वाला है, विधवा का उद्धार करेगा, सो दोनों के बीच रिश्ते गहराते चले गए। अब तो हर रात मास्टर चुपके से गुरुकुल में आया करता है। शुरू शुरू में पुराने चेले विश्वनाथ और गणेश को लगा कि ये कोई चोर है, लेकिन जब इस चोर का आना जाना नियम सा हो गया तो उनके लिए सब कुछ साफ हो गया। जरूर ये यमुना का कोई आशिक है। वे उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाते हैं, पर वो जो भी था इतनी रात को आता था कि चाह कर भी जागा नहीं जाता है, आँख लग ही जाती है। सो उन्होंने नन्नी को भूत प्रेत की कहानी बताकर इतना डरा दिया कि बेचारा यमुना के पास सोने की जिद करने लगा। दोनों पुराने शिष्यों की योजना ये थी कि जब नन्नी यमुना के कमरे में सोएगा तो उसे ये पता चल ही जाएगा कि रात गए कमरे में कौन आता है। पर बेचारा नन्नी, यमुना के कमरे में उसे अच्छी नींद आ जाती है, बेखौफ सोया करता है। कौन आता है कौन जाता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एक आध महीने गुजर गए, यमुना को उल्टियाँ शुरू हो गई, लगता है गर्भ से है। आजकल यमुना का काम में दिल नहीं लगता है, समय पर ना खाना बनाती है और ना घर का कोई काम ठीक से करती है। जब पड़ोसी गोदावरी अम्मा आचार्य के गुरुकुल को अस्त व्यस्त देखती है, वहाँ अपनी तेज नाक घुसाने लगती है। नन्नी से पूछती है कि क्या यमुना बीमार है। नन्नी बतलाता है कि उसके पेट में दर्द होता है, फिर उल्टियाँ होती हैं। यमुना ने इमली और अचार मंगाया था, सो उसने उसे दे दिए। इधर यमुना ने सोचा था कि मास्टर उसे अपनाएगा, लेकिन उसने इसका सारा ठेकरा यमुना पर ही फोड़ दिया। कहा कि ये उसका पाप है, मंदिर में जाकर पश्चाताप करें। कुछ दिनों में ही गोदावरी ने इतनी गहरी छानबीन की कि उसे पता चल गया कि हो ना हो यमुना पेट से है और इसका कर्ता धर्ता मास्टर है। उसने इस अनर्थ की खबर उड़ूप पंडित के धुर विरोधी पंडित मंजुनाथ को दे दी। अगर वो अब भी उड़ूप पंडित को नहीं घेर सके तो फिर लानत है, ये तो घोर पाप है।
मंजुनाथ सीधे उड़ुक पंडित के चेले श्रीकर के पास चला गया और उसे बताया कि तुम्हारे गुरुकुल में पाप पल रहा है। कहा कि अपने आँख कान खोल कर आने वाले समय को पहचानो। बाद में मंजुनाथ ने गुरुकुल में पढ़ रहे दोनों पुराने शिष्यों को वहां से निकलवा दिया और उड़ुक पंडित को वापस आकर अपनी बेटी को सजा सुनाने का संदेश भिजवाया। श्रीकर भले ही अंग्रेजों की चाकरी करता है, उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन एक विधवा का प्रेम प्रसंग उसकी आधुनिकता के हिसाब से कुछ ज्यादा ही है। वो इसमें यमुना का साथ नहीं दे सकता है। पूरे ब्राह्मण समाज में अब केवल यमुना की ही चर्चा है। एक दिन जब मास्टर ने उसके दुखों के अंत का वादा किया तो वो उससे मिलने खंडहर में चली गई। सोचा था कि मास्टर उसे लेकर कहीं भाग चलेगा, पर यहाँ उसने बच्चा गिराने का उपाय सुझाया। शूद्रों की बस्ती में एक आदमी प्रभु रहता है, उसकी पत्नी इन सब कामों में माहिर है, आज रात वहाँ आ जाना। जब यमुना और मास्टर खंडहर में ही थे, उड़ुक पंडित के पुराने चेलों ने नन्नी को यमुना के करतूत दिखाने खंडहर ले गए। उसे वहीं रुकने को कहा ताकि गांव वालों को लेकर आ सके, पर जब नन्नी ने एक सांप को यमुना की तरफ जाते देखा तो नन्नी से रहा नहीं गया। वो यमुना को पुकारते हुए भागा भागा उसकी तरफ चला गया। मास्टर ने जब नन्नी को देखा तो वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गया। गांव वालों के आने से पहले नन्नी और यमुना वहां से चले गए थे। अब तो पूरा गांव यमुना के खिलाफ है, कोई साथ नहीं खड़ा है। लोग घर पर पत्थर फेंका करते हैं, जीना मुश्किल हो गया है, लगता है मौत ही रास्ता दिखलाएगी। पर छोटा नन्नी अब भी उसके साथ है, केवल वही है जो चाहता है कि वो जिए। देर रात यमुना नन्नी को लेकर शूद्रों की बस्ती में चली गई। यहाँ मास्टर उसका इंतजार कर रहा है। जब यमुना एक घर के अंदर गई तो नन्नी को बाहर ही रोक दिया गया। अंदर से यमुना की चीखें सुनकर नन्नी व्याकुल हो रहा था। इधर जब कोगा घर का चक्कर लगा रहा था, पता चला कि गुरुकुल में कोई नहीं है। वो यमुना और नन्नी को ढूंढते हुए अपनी बस्ती में आ गया। यहाँ उसे पता चला कि सारी फसाद का करता धरता मास्टर है, तो वो लाठी लेकर मास्टर के पीछे पड़ गया। आज वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मास्टर जान बचाकर गांव से ही भाग निकला। अगली सुबह यमुना शूद्रों की बस्ती में ही बैठी रही, नन्नी के लाख मनाने पर कि वो उसके साथ उसके गांव चले, उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखेगी। यमुना वहां बैठी रोती रही। सुबह सुबह जब उड़ुक पंडित वापस अपने घर लौटा तो कोगा वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसने पंडित से कहा कि वो शूद्रों की बस्ती में चले और यमुना को घर लेकर आए, पर पंडित ने इससे इनकार कर दिया। फिर धर्म के नाम पर संस्कृत के श्लोक सुनाने लगा। इससे कोगा बड़ा बौखला गया। बचपन से उसने ऐसे ही फिजूल के बहुत श्लोक सुन रखे थे जो ना तो कभी ब्रह्मांड के काम आई और ना ही किसी इंसान के काम आ सकी। उल्टे कोगा ने पंडित को उसी के कुछ श्लोक दया और करुणा के सुना दिए। कहा कि नहीं मांगता तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा मोक्ष, जो ब्राह्मण अपनी बेटी को नहीं संभालता वो धर्म कैसे संभाले। उड़ुक पंडित की बेटी ने धर्म का नाश किया है, अब उसका उससे कोई नाता नहीं। उसने श्रीकर से कहा कि ब्राह्मण समाज को यह खबर पहुंचा दो कि वो यमुना का जीते जी श्राद्ध करने वाला है, पर अब श्रीकर उसकी बात नहीं मानने वाला है। कहता है कि अब वो उसकी बोली नहीं बोलेगा। बहुत हुआ, हमने आशाए अबला नारियों की बलि देने वालों को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। मैं अब इसके विरोध में खड़ा होता हूँ। आपकी दी हुई दीक्षा आपको वापस लौटाता हूँ। यदि दे सके तो ये आशीर्वाद दे कि मैं जड़ परंपराओं के फंदे से निकलकर एक मनुष्य का जीवन जी सकूं। श्रीकर ने उसे नमस्कार किया और वहां से चलता बना। बाद में नन्नी का पिता रामेश्वर भट्ट भी खबर पाकर बेटे को लेने वहां पहुंचता है। जब नन्नी आया था तो उसे अपनी माँ से जुदा होने में बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। अब जब उसे उसके पिता ले जा रहे हैं, यमुना से अलग होने में ऐसी ही व्याकुलता उसे फिर से हो रही है। लेकिन नन्नी को जाना ही पड़ेगा। उसके पिता जैसे उसे उसकी मर्जी के खिलाफ लाए थे, वैसे ही उसे पकड़कर ले भी जाएंगे। बाद में ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई गई। उड़ुक ने अपनी लाज रखने के लिए और दूसरे ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अपनी बेटी के श्राद्ध की घोषणा कर दी। पर यहाँ श्रीकर भी मौजूद था। उसने सभा का विरोध किया और एक जोरदार भाषण दिया। इसी तरह पैदा छोटे छोटे विरोधों ने बाद में विधवा पुनर्विवाह जैसे आधुनिक कानूनों की मांग को हवा दी। 1856 में ब्रिटिश इंडिया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। हालांकि उस समय यमुना के पिता ने उसके जीते जी उसका श्राद्ध कर दिया, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले। नन्नी अपने पिता के साथ वापस लौट गया और यमुना उसी दलित बस्ती में रह गई। तब से अब तक हमने मीलों का सफर हासिल किया है, थोड़ी प्रगति भी की है, पर क्या अब हम प्रगति के अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे चलने लगे हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।